हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? अपने गार्डन में खुश होंगे, खूब ढेर सारे प्लांट लगा रहे होंगे। आज तो हमारे मौसम थोड़ा अच्छा रहा था, मॉर्निंग में पहले तो बारिश हो गई। मैं डर गई थी कि अब बारिश हो रही है तो मेरे प्लांट की ऐसी तैसी हो जाएगी, मगर खैर बारिश होके और रुक गई। तो आज मैं मार्केट गई थी तो मैं ये 6 प्लांट लेके आई। ये कैलेंडुला वैसे तो मेरे पास है मगर वो ऑरेंज कलर में है, ये मुझे थोड़ा डिफरेंट कलर लगा तो मैं ये ख़रीद के ले आई। और मैंने पेंजी वगैरह भी उगाए थे, मेरे जर्मिनेट भी हो गए थे, मगर चूहे ने बड़ा आतंक पचा के रखा है, पूरा कुतर डालते हैं सब कुछ। ये देखिए, लास्ट पर मैंने इसमें लगा दिया था, शिफ्ट कर दिया था, और ये से नहीं खाते हैं। ये मैक्सिकन पिटूनिया है ना, पिंक या पर्पल, तो इसे नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, ये पूरा लगा पड़ा है। और ये लास्क पर हुआ, मेरा ल्यूपिन हुआ, मतलब विंटर के सीड वो उगने नहीं दे रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ चूहों ने मेरे प्लांट की क्या हालत की है। ये देखिए, जितनी भी मेरी रेड पॉपी थी वो सब खा गए, काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, जो छोटे छोटे से फिर से पत्ते निकलने शुरू हुए हैं। और इस तरह की मेरे जो इसके बिजली के प्लांट थी वो भी सब खा गए। ये भी देखिए खाते जा रहे हैं, ये पूरा खा लिया, ये पूरा एरिया उन्होंने, कैटरपिलर ने, ये पूरा कैटरपिलर ने, चूहा कुतरता है, ये चूहा नहीं खाता, वो कैटरपिलर नहीं खाते क्योंकि इधर कैटरपिलर नहीं जाते। कैटरपिलर खाते तो सभी खाते, तो जहाँ मौका लग मिल जाता है वो सारा खुदाई कर देता है, उखाड़ देता है। तो चूहे ने बड़ा जान खा लिए, देखिए ये भी काट दिए पूरे। और इधर मैंने रिपोर्ट किए थे, ये भी खा लिया, ये भी काट दिया है, पूरा काट दिया है ये। तो चूहे ने बहुत दिक्कत की है मेरे को। और ये ल्यूपिन मुझे मुश्किल से ये 2 बच्चा मिले हैं, मुझे लग रहा है इधर कैटरपिलर फिर आ गए। ये देखिए ये खा रहे हैं, तो बहुत तंग किया है कैटरपिलर ने। ये ल्यूपिन है, ये ल्यूपिन है, ये 2 बचे हैं केवल ल्यूपिन के प्लांट। देखिए एक ये है और एक ये, बहुत सारे उग गए थे, सब उसने उखाड़ के फेंक दिए, खा लिए, मतलब ऐसे करके काट देता है, ऐसे काट देगा बिल्कुल। तो बहुत बुरी, अब जो दोबारा फिर से उग रहे हैं, ये फिर से उग रहे हैं, बहुत तंग करके रखा है। तो मेरी सारी सैपलिंग ख़राब कर दी, तो फिर मैं इसलिए ये ले आई, मैंने कहा चलो मैं ले आती हूँ, देखती हूँ इन्हें, बड़े हो जाएंगे प्लांट तो नहीं खाते हैं, छोटे छोटे प्लांट को खा जाते हैं, तो इसलिए मैं ये ले आई। बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। एक साल मैंने उगाए थे तो वो फिर अपने आप ही उगाए थे, दूसरी साल भी वो पंतनगर के सीड थे तो वॉल पे टांग दिए थे। इस बार ये ऐसे लगे हुए हैं, देखिए टूट भी गया है, पॉली बैग में लेके आई थी इसमें, तो ये टूट भी गया है। तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, मेरा दिल नहीं माना तो मैं ले ही आई कंट्रोल ही नहीं हुआ, फिर मैं लेके आ गई, मैंने सोचा चलो ले आती हूँ। तो ये मुझे 30 रुपीज़ के दिए थे, बहुत कहा बोले नहीं, बस हाइब्रिड है, हज़ार बातें बनाने लगा वो नर्सरी वाला, जबकि मैं ज़्यादातर वहीं से लेके आती हूँ। मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, कुछ सीड इस बार मैं कलेक्ट करके रख लूँगी, देखती हूँ कितने सीड इकट्ठे होते हैं मैं, और ये अब मैं रिपोर्ट करूँगी तो इसका रिपोर्टिंग का वीडियो बनाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं ये कैलेंडुला, मेरा बहुत मन था तो मैंने सोचा चलो एक ही कैलेंडुला भी ले लेती हूँ। पिटूनिया तो खैर मेरे पास काफ़ी है तो इसलिए पिटूनिया नहीं लेके आई, बस कैलेंडुला का दिल हो गया तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। इस उनके यहाँ भी कैटरपिलर लग गए हैं, ये देखिए ये खाए हुए पत्ते हैं, पुराना प्लांट टाइप का हो गया है, तो इसे मैं इसी में लगाऊंगी क्योंकि बाकी मेरे प्लांट भी इसी टाइप के पॉट में लगे हुए हैं, तो इसमें लगा दूंगी। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग, ये 6 प्लांट लेके आई थी, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 15, 3, 6, 18 180 रुपये के ये 6 प्लांट लेके आएंगी ये। तो चलो दिल तो खुश हो गया, एक्चुअली मुझसे कहा था थोड़ी देर वेट कर लो, काम है, बिजी है, नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं नर्सरी की तरफ निकल गई, तो मैंने सोचा चलो अब यहाँ तक आए हैं कहाँ बैठूँ, तो चलो यहीं चली गई, तो मैं उधर ही चली गई। अब हम गार्डनर का होता ही है कि सरक लो कहाँ जाएंगे नर्सरी की तरफ। तो ये प्लांट ले आई मैं, बहुत अच्छा लग रहा था देख के, सुंदर लग रहे थे। लास्ट ईयर तो मैंने नहीं, पिछली साल मैंने सीड से ग्रो किए थे तो वो फिर भी अपने आप ही रीग्रो हो गए, उनके सीड वगैरह गिर गए होंगे तो वो अपने आप ही ग्रो हो गए थे। इस बार नहीं हो पाए, सीड लगाए थे ग्रो हो गए पर वो बंदरों, वो कपूर सॉरी चूहों ने नहीं छोड़ रहे हैं,
चूहा बहुत परेशान कर रहा है। देखिए इसकी मिट्टी की पूरी खुदाई, कल मैंने सब साफ सफाई की थी, ये पूरी खोद डाली है मिट्टी है। इसे और कुछ नहीं मिला तो ये खोद रहा है, इस तरह से मिट्टी खोद देता है। और ये मैंने गार्डन वेस्ट इसमें भरा था, मिट्टी दबाई थी, मिट्टी के अंदर दबा दिए, तो सारी खोद खाद के सारी मिट्टी खुदाई किए नीचे, सब खोद के ये ऐसे खोदा होगा तो पूरी निकाल के बाहर फेंक दिए। मिट्टी इसमें रुकने नहीं दे रहे हैं, कुछ भी भर के रखो वो सारा फैला के रख दे रहे हैं। बहुत परेशान करके रखा है चूहों ने, तंग कर दिया है। चलो अब इनको रिपोर्ट करेंगे तो उस पर मैं वीडियो डालूंगी, कल को रिपोर्ट करूंगी। अभी तो टाइम नहीं है क्योंकि अभी तो आई हूँ, तो का ढेर पड़ा है, बोल नीचे लेके जाऊंगी, सेकंड टाइम में ये लेके जाऊंगी, अभी आके धुले हैं तो अभी इतना टाइम नहीं है, कल को रिपोर्ट करूंगी। तो मेरी ये आज की शॉपिंग, और थोड़ी सी गोबर की खाद भी लेके आई थी, ये मुझे 20 रुपीज़ के जी दी थी यहाँ पर उन्होंने भैया ने, ये पहले अभी अभी खोद के डाले हैं, ये उखाड़ के लिए प्लांट्स, तो मैं ज़्यादा नहीं ला पाती क्योंकि इतना वज़न ये भी हो गया था, फिर ये भी हो गया था, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लेके आई, थोड़ी सी लेके आई थी। तो अब ये खाद इसीलिए और लेके आएगी, ये प्लांट पॉट करूँगी तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो ये खाद लेके आई थी और ये प्लांट लेके आई, मतलब करीब 250-300 रुपये का, 250 रुपये का मेरा ये खर्चा हो गया गार्डनिंग का। तो चलो इसकी रिपोर्टिंग भी करेंगे कल को, है ना। बाय बाय फ्रेंड्स।